सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बादशाह चैनल को, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्निकल बादशाह चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राशन कार्ड के जो दो नए नियम के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो तो ऐसे तो एक दो दिन से आ गई है, लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए हमें बताना ज़रूरी है। जो देख चुके हैं वो अगर नए विजिटर है हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो हमारे सब्सक्राइबर है वो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 9 फरवरी से एक नया नियम लागू होने वाला है। राशन कार्ड जो आप कहीं भी रहते हो, कोई भी एड्रेस का हो, आप पूरे इंडिया में यूज़ कर सकते हो। जैसे आधार कार्ड था ना, आधार कार्ड पे आप जो यूज़ करते हो पूरे इंडिया में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो वैसी राशन कार्ड पे हो जाएगा। आप अगर कहीं सर्विस करते हो, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो टेंशन मत लीजिए, आपका वो चलेगा कहीं भी जाओ आप। और दूसरा नियम जो है दोस्तों कि ये है, आपका जो है आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद आपको राशन जो है वो आपके थंब पर मिलेगा, यानी बोले तो आपको अंगूठा नहीं लगाना है, अंगूठा लगाना है, बट जब जैसे आप सिम कार्ड लेते हो कैसे आपको थंब देके इलेक्ट्रॉनिक थंब देकर लेना होता है, तो वैसे ही देकर लेना होता है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो राशन की जो चोरी हो रही है वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत सा ऐसा होता है कि राशन पे बहुत से कस्टमर जाते नहीं हैं, जिनके पास राशन कार्ड है वो लेते नहीं है राशन, तो राशन वाले उनसे उन्हें जो है ब्लैक में बेच देते हैं। तो दोस्तों यही सब को दूर करने के लिए सरकार ने एक नया ये दो नए नियम निकाले है कि राशन कार्ड के लिए आपको कोई भी, यानी बोले तो नागरिक को कोई टेंशन नहीं रहेगा। कहीं कभी आधार कार्ड हो कहीं भी यूज़ कर सकते हो, और आपको थंब के ऊपर ही मिलेगा राशन कार्ड, जो जिसका राशन कार्ड है उसको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और हाँ कमेंट में जरूर लिखिए। ओके, जय हिंद।